मैं ये वीडियो प्लम-हेड के बारे में बना रहा हूँ। मैं अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह एक हरे रंग का सुनहरा तोता है जिसकी लंबाई 14 से 15 इंच तक होती है पूंछ सहित। यह लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नर के बारे में। नर का सिर लाल रंग का होता है। इसके गर्दन पर गहरी काली पट्टी होती है। इसके पंखों पर लाल रंग का तो छोटा सा धब्बा होता है और पूंछ नीले हल्के रंग की और पूंछ के अंत में सफ़ेद रंग का छोटा सा हिस्सा होता है। इसकी चोंच पीले रंग की छोटी चोंच होती है। इसे पूरी तरह वयस्क होने में 18 से 20 महीने लगते हैं। अब हम बात करते हैं मादा के बारे में। मादा का सिर सिलेटी रंग का होता है। इसके गर्दन पर पीले हल्की रंग की पट्टी होती है जो कि वयस्क होने पर ही नज़र आती है। इसकी चोंच भी पीले हल्के रंग की छोटी चोंच होती है। इसके पूंछ के अंत में सफ़ेद रंग का छोटा सा हिस्सा होता है। इसे पूरी तरह वयस्क होने में 15 से 16 महीने लगते हैं। अब हम बात करेंगे इनके खाने के बारे में। यह फलों को ज़्यादा पसंद करते हैं। इनमें जामुन, अंगूर, अमरूद आदि फल शामिल है। इन्हें अनाज भी अच्छे लगते हैं। लगभग सभी तरह के अनाज इसमें शामिल होते हैं, इसलिए यह अधिकतर बागों और खेतों के पास आसपास पाए जाते हैं। अब बात आती है इनके प्रजनन की। यह भारत के अधिकतर हिस्से में दिसंबर से अप्रैल के बीच में प्रजनन करते हैं। यह 4 से 6 अंडे देते हैं जो कि 20 से 25 दिन के अंतराल में फूटते हैं। अंडों से बच्चे निकलने के बाद 6 से 7 सप्ताह तक नर और मादा दोनों मिलकर देखभाल करते हैं। इसके बाद बच्चे बड़े होने के बाद पलायन कर जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।